Hello friends, welcome once again everyone. Today we are going to discuss about such a lovely topic and what's a wonderful topic that is called clause. कहीं मुझे लगता है आपको बहुत सारा आइडियाज होगा क्लॉज के ऊपर. ये सब नो, ये आइडियाज नहीं है. जब है तो बढ़िया है, नहीं है तो और ही बढ़िया है, क्योंकि आज हम जानने वाला है इफ क्लॉज के ऊपर. चलो गाइस, आज हम शुरुआत करते हैं हमारा सेशन दैट्स ऑल अबाउट कॉल्ड क्लॉज. गाइस क्लॉज क्या है फिर जानेंगे भाई. क्लॉज क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे लाइक का. क्लॉज क्या है, क्लॉज में बोलते हैं काइट क्लॉज, ये होता है क्लॉज क्या? वो डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, तो क्लॉज मीन्स व्हाट? क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. क्लॉज क्या है? सेंटेंस का छोटा सा पार्ट है. ठीक है, उसमें क्या होता है कि क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. बेसिकली इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब. बेसिकली इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब. क्या कहता है? क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. याद रखिए, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. बेसिकली वो क्या करता है? बेसिकली वो कंटेन करता है सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. हाँ, और एक बात, क्लॉज में भी कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंस. क्लॉज में भी कंप्लीट हो सकता है और इनकम्प्लीट हो सकता है. ऐसा कुछ गारंटी नहीं क्लॉज कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो लेट्स सी फ्रेंड्स. तो क्लॉज बेसिकली क्लैरिफिकेशन मैंने आपको दे दिया. इसका डेफिनेशन क्या है, पार्ट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. बेसिकली इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. एंड वन मोर थिंग इज दैट इट मे कंप्लीट और इट मे नॉट बी कंप्लीट इन द सेंटेंस. सेंटेंस में वो कंप्लीट हो सकता है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो चलो देखते हैं गाइस उसका बेसिकल पार्ट क्या होना चाहिए. अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू से गाइस, जब क्लॉज का बात माइंड में आता है, हमारा एक चीज माइंड में आता है, दैट इज इफ क्लॉज. तो क्लॉज का मतलब है टू टाइप्स, वन इज इफ क्लॉज, अनदर इज मेन क्लॉज. इफ क्लॉज अनदर इज मेन क्लॉज. तो इफ क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, देखते हैं. इफ क्लॉज मीन्स वॉट? जिस सेंटेंस का शुरुआत इफ से हो इसको बोलते हैं इफ क्लॉज. जिसमें कोई इफ नहीं लगा हो बोलते हैं मेन क्लॉज. और क्या है, यही तो बात है. तो इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज. तो ये जो क्लॉज कितने टाइप का है, ये जो हमारा कंडीशनल से जो हम बोलते हैं क्लॉज, इसमें बेसिकली हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं. क्लॉज में क्या होता है, हमारा कंडीशनल आता है. तो कंडीशनल है, ये कंडीशनल क्या है, जो हमारा इफ क्लॉज मेन क्लॉज बोला था आपको, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल. ध्यान से देखिए गाइस फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए. तो कंडीशनल सेंटेंस क्या है, कंडीशनल क्या है? बेसिकली कंडीशनल वर्ड कम्स एज द कंडीशन. बोलते ना शर्त लगाता है, कंडीशन लगाता है, तू ये कर पाएगा, हाँ मैं कर पाऊंगा, ये बता, ये जब ये नहीं कर पाएगा तो मेरे ये कंडीशन है. तो वो कंडीशनल से बेसिकल कंडीशन चीज निकला है. ठीक है, तो हमारे जो कंडीशनल क्लॉजेस है, तो बेसिकल इसको चार टाइप की डिवाइड किया गया. कितना टाइप का गाइस? फोर टाइप्स, राइट. वन इज जीरो कंडीशनल, अनदर इज फर्स्ट कंडीशनल, देन हमारा आ रहा है सेकेंड कंडीशनल, देन हमारा हो रहा है थर्ड कंडीशनल. समझ में आ रहा है? कंडीशनल सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इन फोर टाइप्स, वन इज जीरो कंडीशनल, देन फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल. सी फ्रेंड्स, तो वन बाय वन मैं आपको अभी डिस्कशन करने वाला हूं. जीरो कंडीशनल क्या है, फर्स्ट कंडीशनल क्या है, सेकेंड कंडीशनल क्या है एंड थर्ड कंडीशनल क्या है. ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, कहीं ऐसे ही बने रहिए, देखिए गाइस क्या होना चाहिए. So now I am going to discuss with you first, that's all about called zero conditional. Zero conditional. So zero conditional क्या है? Zero conditional basically contains about the guess क्या होता है कि आपका scientific reason, general truth, इस तरह उसमें क्या होता है, आता है कहां पे? जीरो कंडीशनल में आता है. ये सर क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, जनरल ट्रूथ क्या है, बता रहा हूं. सपोज जो चीज को साइंस ने प्रूव किया है, जो चीज ने किसको साइंस ने प्रूव किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कंडीशनल. इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक रीजन. सॉरी, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर कंडीशन लगाया, जब हमारा देखते हैं वाटर, देखेंगे इस वाटर को जब हम जीरो डिग्री में क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट होगा क्या? नहीं मेल्ट होना चाहिए. इसको क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा. जब इसको ज्यादा हम टेम्परेचर डालेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा. तब मैं बोला सर यहां पे इफ यू बॉइल वाटर, जब पानी को हम बॉइल कर रहे हैं कितने में, इफ यू बॉइल वाटर इन 100 डिग्री सेल्सियस, जब हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, बॉइल करेंगे, तो क्या होगा,
बेसिकली हम यहाँ पे क्या लगा देन लगाते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, देन नहीं होगा। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये गाइस, यहाँ पे कंडीशनल में कभी जब बेसिकली देन लगाते हैं तो यहाँ पे देन नहीं लगता भाई, सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। यहाँ पे देन लगने नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा कमा लगेगा। पक्का क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, इफ यू बॉइल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, हीट लगा सकते हैं यहाँ पे, इफ यू हीट वाटर इन 100 डिग्री सेल्सियस ये क्या होगा गाइस, यहाँ पे ये बॉयल होगा, इट बॉयल्स। समझ में आ रहा है? किसके लिए आया गाइस, साइंटिफिक रीजन या जनरल पर्पस, क्या आया, दैट इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल। समझ में आ रहा है? इट्स कॉल्ड जीरो कंडीशनल, करेक्ट। इसमें क्या हुआ, इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, इस साइड में क्या रहेगा जीरो कंडीशनल, क्या रहेगा प्रेजेंट सिंपल रहेगा, अनदर साइड में क्या रहेगा उसका भी प्रेजेंट सिंपल रहने वाला। इट्स ऑल अबाउट कॉल्ड जीरो कंडीशनल, इसको क्या बोलते हैं जीरो कंडीशनल बोलते हैं। समझ में आ रहा है गाइस आपको? देन हम जा रहे हैं फर्स्ट कंडीशनल के ऊपर। समझ में आ रहा है? देन हम जा रहे हैं किसके ऊपर, फर्स्ट कंडीशनल। जस्ट सेकंड गाइस, फर्स्ट कंडीशनल, सो लेट्स सी फ्रेंड्स, देन हमारा क्या हो रहा है फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशनल हम क्या बोलता है, इसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट क्या है गाइस, आप एक कोई काम को कर लिया, कॉज एक रीजन है उसका और उसका इफेक्ट ये है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। समझ आ रहा है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सीधा गाइस, कॉज क्या है समझ में बोल रहा हूं, जब आप एग्जाम में क्या करेंगे मस्त लिख के आएंगे, अच्छे से लिख के आएंगे एग्जाम में, मस्त करेंगे तो क्या होगा, क्वालिफाई हो जाएंगे। जब जब ठीक से पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा, और क्या होना चाहिए ये सब लोग। क्या होगा गाइस, इफ यू स्टडी हार्ड, जब ठीक से पढ़ाई करेंगे तो स्टडी हार्ड क्या होगा, यू विल गेट सक्सेस, आपको क्या मिलेगा सक्सेस ही मिलेगा। जब ठीक से पढ़ाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला, आपको सक्सेस मिलने ही मिलने वाला है, राइट। चलो तो यहां पे हमने क्या लिखा, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट सक्सेस। तो बेसिकली हम पहले क्या सोचते, जब आप पढ़ाई करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, बच्चे लोग क्या बोलते हैं इफ यू विल स्टडी हार्ड, ये सबसे गलत पार्ट है, याद रखो ये सबसे मिस्टेक वाला पार्ट है, इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ये सबसे रॉन्ग पार्ट है, याद रखो। क्या होगा, क्या इफ यू स्टडी हार्ड, जब ठीक से पढ़ाई करते हैं तो क्या होगा, वो क्या मिलने वाला, आपको सक्सेस ही मिलने वाला, यू विल गेट सक्सेस, कन्फर्म हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? तो इसका रूल क्या है गाइस, यहां पे आता है प्रेजेंट सिंपल वर्सेस क्या लगने वाला, यहां पे लगने वाला फ्यूचर सिंपल। समझ में आ रहा है आपको? ये हमारा क्या था, प्रेजेंट सिंपल, याद रखिए गोल्डन रूल ये है, प्रेजेंट सिंपल के साथ प्रेजेंट सिंपल वाला था जीरो कंडीशनल में, फास्ट कंडीशनल में हुआ प्रेजेंट सिंपल वर्सेस हमारा फ्यूचर सिंपल। समझ में आ रहा है? देन हम जा रहे हैं सेकंड कंडीशनल के ऊपर। सेकंड कंडीशनल हमको क्या कहता है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, अनरियल एंड इमेजिनरी, ये सारा जो चीज है सेकंड कंडीशनल वाला चीज जो है वो क्या होता है, अन इमेजिनरी एंड अनरियल, इमेजिनरी बोलते हैं उसको, ठीक है, इमेजिनरी थिंग्स, इमेजिनरी एंड अनरियल, इमेजिनरी एंड अनरियल। जब मैं बोला, जब मैं बाढ़ होता, चिड़िया बाढ़ जानते हो, चिड़िया होता है, जब मैं बाढ़ होता मैं क्या होता, मैं आसमान से उड़ रहा होता, राइट और नॉट, उड़ चुका होता, लोग जब मैं राजा बनता मैं तुझे क्या बना देता, मैं तेरा मंत्री बना देता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यह होता है क्या आपका, इमेजिनरी एंड अनरियल, इमेजिनरी एंड अनरियल फैक्ट, राइट। जब मैं यहां पर लिख रहा हूं गाइस, जब मुझे लॉटरी मिलेगा, इफ आई ओन ए, सपोज मैंने यहां पर लिखा इफ आई ओन ए लॉटरी, तो मुझे क्या होगा गाइस, मैं बोला यहां पे देन नहीं लगाना गाइस, कभी भी यहां पे बीच में देन नहीं आने वाला, कमा उल्टा करके बोलिए याद रखना, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों एक मिस्टेक करते देन लगाते हैं, ये सबसे रॉन्ग पार्ट है। इफ यू इफ आई ओन ए लॉटरी, जब मुझे लॉटरी जीतूंगा तो मैं क्या करूंगा, आई वुड बाय ए कार, ना मैं लॉटरी जीतूंगा ना मैं कार खरीद पाऊंगा, क्या इमेजिनरी थिंग है, क्या होता है एक बंदा सोच रहा है जब मैं ये किया होता तो ये मुझे मिल गया होता, राइट एंड नॉट। यहां पे क्या होना चाहिए, इफ आई ओन लॉटरी आई वुड बाय ए कार, यहां पे क्या होना होगा, इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल के साथ क्या होगा, होना चाहिए यहां पे होगा वुड प्लस बी वन फॉर्म,
पॉसिबल विद वुड प्लस बी वन में क्या आएगा, कौन से फॉर्म में आएगा, वो रहेगा आपका सेकंड कंडीशनल। समझ में आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम सेकंड कंडीशनल। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? चलो देन हम जा रहे हैं थर्ड कंडीशनल की तरफ से गाइस। हमारा लास्ट कंडीशनल यहां पे आ रहा है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल क्या बोलता है, जब ये होगा ये होता तो ये हो चुका होता। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, जब क्या होता, जब मैं हेलमेट पहन लिया होता तो मैं क्या किया होता, जब मैं हेलमेट पहन लिया होता तो मैं ये एक्सीडेंट फेस नहीं कर चुका होता, राइट है ना। चलो देखिए तो यहां क्या लगा रहा है, इफ यहां होगा पास्ट परफेक्ट, याद रखिए, इफ आई हर्ड, इफ आई हर्ड वो कभी जो क्या होना चाहिए, इफ आई हर्ड ओल्ड द हेलमेट भी होना चाहिए, राइट। If I wore the helmet, मुझे क्या क्या नहीं होता, तो क्या नहीं होता, मैं एक्सीडेंट फेस नहीं किया होता, क्या होना चाहिए, I wouldn't have faced the accident, ठीक है। इफ बोल सकते, इफ आई हैड ओबेड, जब मैं ट्रैफिक का मन मान लिया, इफ आई वोड भी लगा ओबेड लगा सकते हो, इफ आई हैड ओबेड ट्रैफिक रूल, इफ आई वुड ओबे ट्रैफिक रूल, यहां पर कमाल लगना चाहिए, आई वुडंट हैव फेस्ड द एक्सीडेंट, जब मैं ट्रैफिक के बात को मान लिया हो तो मुझे क्या नहीं होता, मैं ये एक्सीडेंट फेस नहीं किया होता। समझ में आ रहा है क्या आपको, तो यहां पे बोल क्या रिजल्ट कर रहा है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। इसका रूल क्या बता रहा है आपको, पास्ट परफेक्ट शब्द क्या लगेगा, वुड या वुडंट जो भी लगेगा, वुड Not या would जो भी आ सकता है, would या wouldn't plus have plus be three form, that is called हमारा third conditional। समझ में आ रहा है गाइस आपको पूरा, मैं जो रूल को मैंने क्या किया उसको ब्रैकेट में रख दिया उसको, गाइस आपको ध्यान से देखिए उसको पहले बता रहा हूं। तो जीरो कट साहब क्या बोला, प्रेजेंट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड में क्या हुआ हमारा फर्स्ट कंडीशन में क्या आया, प्रेजेंट सिंपल वर्सेस फ्यूचर सिंपल, ये करेंगे तो ये होगा। थर्ड में क्या आया, पास्ट सिंपल वर्सेस वुड प्लस बी वन, थर्ड कंडीशनल में क्या आया, पास्ट परफेक्ट वर्सेस वुड या वुड नॉट, व्हाट एवर यू कैन यूज हियर, हैव देन वर्क द थर्ड विल बी देयर। समझ आ रहा है कंसेप्ट पूरा, क्लियर। तो ये क्या होता है हमारा कंडीशनल का पार्ट है, जैसे पहले मैंने बोला आपको क्लॉज क्या है, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, इट मे और इट मे नॉट बी कंप्लीट इन द सेंटेंस, एंड बेसिकली इट कंटेन्स वर्ब एंड सब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, क्लॉज कंटेन्स दिस पार्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो कंडीशनल क्लॉज ऑलरेडी हैव रिटन इन दिस पार्ट, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। क्लियर गाइस पूरा कॉन्सेप्ट, क्लियर हो रहा है पूरा कॉन्सेप्ट, यानी डाउट फिर भी कोई डाउट होगा कोई बात नहीं गाइस, फिर जब आप कोई भी कहीं पे किसको डाउट लग रहा है टेंशन नहीं लेके, जो कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कोई डाउट है यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, आप यहाँ पे पुट आउट कीजिए आपको कौन से पार्ट में डाउट लग रहा है, या जीरो वाला वन और टू और थ्री, एनी डाउट यू हैव पुट द कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स, देन आई विल क्रॉस चेक दिस पार्ट, then I'll give the solution for you guys. One more thing guys, I have seen that मैं बहुत सा दिख रहा हूँ, आप बढ़िया दिख रहे हो, इसको views मस्त आ रहे हैं, but thing is that आप subscribe नहीं कर रहे हो channel को, ये थोड़ा problem हो रहा है। जब guys आप subscribe करेंगे and जो पास वाला जो bell icon है उसको दबाएंगे तो बाद आपको क्या मिलेगा, guys सारा का सारा notification आपको पहले जाएगा। समझ में आ रहा है guys? I hope so you got clear all the chapters and all the contents, आपको समझ में आ गया होगा। तो guys फिर भी कोई doubt है मुझे comment में बताइएगा क्या होगा क्या नहीं, and like and comment and share with your friends. Basically, it is very very effective for the students, those who are preparing for the competitive examinations. Right, friends? Because the content, the core content is required for them. हाँ, और एक बात. Guys, मैं इसको और मेरा और भी videos के मैं इसको modularize बनाऊंगा. फिर भी कोई doubt होगा, तो इसको part one, part two करके बनाने वाला हूँ. आप देखिएगा, enjoy कीजिएगा and share कीजिएगा and thank you so much and have a great day ahead of yours. Thank you so much. Bye. Then see you in the next video, everyone.